आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन तीन दिव्य शक्तियों के बारे में जिन्होंने रामानंद सागर जी को प्रेरणा दी इन धार्मिक धारावाहिकों को बनाने की। ये घटनाएं बहुत ही ज्यादा रोचक हैं और आपने कभी नहीं सुनी होंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, आपने अपने जीवन में कभी ना कभी रामानंद सागर जी द्वारा बनाई गई रामायण को जरूर ही देखा होगा। इस रामायण को बनाने की प्रेरणा उन्हें स्वयं महावतार बाबा जी ने दी थी। तो आखिर कैसे रामानंद सागर जी को महावतार बाबा जी के दर्शन हुए और कैसे उन्हें ये प्रेरणा मिली, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक होने वाला है, तो आपसे आग्रह है कि अगर आज आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर से करना। तो दोस्तों, आज से 36 साल पहले रामानंद सागर जी ने रामायण बनाई थी, एक ऐसा शो जिसको देखने के लिए लोग टीवी के सामने चिपक जाते थे। कहा जाता है उस वक्त सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता था, लोग एक दूसरे के घरों में जाकर रामायण देखा करते थे क्योंकि उस समय हर किसी के घर में टीवी नहीं हुआ करता था। इस रामायण के प्रति लोगों का इतना ज्यादा धार्मिक प्रभाव था कि लोग अक्सर चप्पल उतार कर ही रामायण देखने बैठा करते थे। ठीक वैसे ही जैसे कि हम मंदिर में जाते हैं बाहर चप्पल उतार कर। महिलाएं अपने सर पे पल्लू रख लिया करती थी और टीवी के राम सीता को लोग असल जिंदगी में राम सीता जैसा पूजने लगे थे। तो आखिर फिल्में बनाते बनाते उनका अचानक से फिल्में छोड़कर टीवी का रुख अपनाना और इतना बड़ा भव्य शो रामायण बनाना किसकी प्रेरणा से हुआ होगा, हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा रामानंद सागर जी के विषय में जान लेते हैं। दोस्तों, रामानंद सागर जी का जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा है। उन्होंने पहले एक साइकिल रिपेयरिंग की दुकान में काम किया, इसके साथ ही साथ छोटी मोटी नौकरी करके अपना जीवन यापन शुरू किया। यहाँ तक कि उन्होंने सफाई कर्मी के तौर पर भी काम किया, तो कभी सुनार की दुकान पर काम किया, एक बार उन्होंने चपरासी के तौर पर काम किया और किराने की दुकान पर भी नौकरी की। उन्होंने अपने जीवन यापन के साथ साथ अपने लेखन के हुनर को बरकरार रखने के लिए बतौर पत्रकार काम करना शुरू कर दिया। सन 1941 में 24 वर्ष की आयु में रामानंद सागर जी को ट्यूबरक्लोसिस हो गया था और तब इस बीमारी का कोई भी उपचार नहीं था, इसलिए उन्हें किसी स्वास्थ्यालय में मृत्यु के इंतजार में छोड़ दिया गया था। अपनी मृत्यु का इंतजार करते अपनी शैया पर पड़े रामानंद सागर जी ने वहीं से एक उर्दू पत्रिका अदब ए मशरिक के लिए अपने लेख मौत के बिस्तर से लिखना शुरू कर दिए। किस्मत की बात है कि रामानंद सागर जी के ये लेख उस वक्त के साहित्यिक गलियारों में बहुत ज्यादा प्रसिद्धि पाने लगे। तभी भाग्यवश एक यूनानी डॉक्टर के प्रयासों और सांप के जहर से किए गए उनके इलाजों से रामानंद सागर जी बिल्कुल स्वस्थ हो गए। बाद में उनकी प्रतिभा को देखते हुए उस दौर के मशहूर लेखकों जैसे किशनचंदर और मंटो ने उन्हें मुंबई जाकर फिल्मकारों से मिलने की सलाह दी। एक बार वो मुंबई के समुद्र तट पर बैठे हुए थे और वरुण देवता से प्रार्थना कर रहे थे कि हे देव, इस सपनों के शहर में मुझ जैसे जीव को भी स्थान प्रदान करें। और तभी एक करिश्मा हुआ, समुद्र की लहरों ने आकर रामानंद सागर जी को चारों ओर से घेर लिया और रामानंद सागर जी को अपना जवाब मिल चुका था। ऐसा लग रहा था मानो वरुण देव उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हो गए हों और भविष्य में जो हुआ उसने इस बात को सिद्ध भी कर दिया। बस फिर क्या था, इस घटना के बाद ही उन्होंने अपने नाम के आगे सागर जोड़ दिया। इसके बाद 1949 में रामानंद सागर जी ने अपनी पहली फिल्म बरसात लिखी, जो कि लगभग 100 हफ्तों तक सिनेमाघरों में चलती रही और बेहद सफल फिल्म साबित हुई। उन्होंने कई लघु कथाएं और दो नाटक गौरा और कलाकार लिखे, जिनका प्रदर्शन मुंबई के पृथ्वी थिएटर में हुआ। इसके बाद 1950 में उन्होंने स्वयं का प्रोडक्शन हाउस सागर आर्ट्स खोल लिया। अब उन्होंने बतौर लेखक, निर्माता और निर्देशक अपनी पहली फिल्म मेहमान बनाई, जो कि बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई, जिसने एक बार फिर से सागर परिवार के कदम वापस ले लिए।
उसके बाद जैसे तैसे रामानंद सागर जी ने एक छोटे बजट की फिल्म बाजूबंद का निर्माण किया। एक बार फिर से यह बड़ी फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद हताश होकर वो चेन्नई चले गए और उन्होंने जैमिनी स्टूडियोज के लिए कुछ वर्षों तक लेखन और निर्देशन का काम किया। उन्होंने कुछ मशहूर फिल्में लिखी जैसे इंसानियत, पैगाम और राजतिलक। इसके साथ ही साथ उन्होंने कुछ फिल्मों में बतौर लेखक, निर्माता, निर्देशक काम किया जैसे कि घूंघट, जिंदगी। ये सभी ब्लॉकबस्टर हिट रही। इन सभी सफलताओं के बाद रामानंद सागर जी का आत्मविश्वास तो बढ़ा और उन्होंने फिर से खुद के बैनर तले फिल्में निर्माण करने का मन बना लिया। कहा जाता है कि साल 1980 में उन्होंने केदारनाथ की यात्रा की और इस दौरान उनके साथ एक चमत्कार हुआ। इस यात्रा में उन्होंने महाअवतार बाबा जी से भेंट की और उनके चमत्कार तौर पर दर्शन पाए। एक घटना का जिक्र यहाँ पर करना और भी उत्तम रहेगा कि 1972 में बाबा जी ने उन्हें गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में भी दर्शन दिए थे। बाद में एक संत ने उन्हें बाबा जी का संदेश दिया कि रामायण धारावाहिक का निर्माण करो, ऐसा करने से तुम समग्र मानव जाति के आध्यात्मिक चेतना का प्रसार कर सकोगे, साथ ही साथ ऐसा करने से विश्वव्यापी प्रसिद्धि के भागी भी बनोगे जैसा कि तुम चाहते हो। बस फिर क्या था, इसके बाद रामानंद सागर जी ने की घोषणा कर दी कि मैं सिनेमा को छोड़ने जा रहा हूँ और टेलीविजन से जुड़ने जा रहा हूँ। मेरे जीवन का अब एकमात्र उद्देश्य है पौराणिक कथाओं को तथा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाना। दोस्तों, अब दोनों घटनाओं का एक एक करके विस्तार में वर्णन कर लेते हैं। जब रामानंद सागर जी कामाख्या मंदिर में दर्शन करके परिक्रमा कर रहे थे तभी एक छोटी सी कन्या वहां आई और उन्होंने कहा, वहां पेड़ के नीचे एक साधु बैठे हैं और वो आपको बुला रहे हैं। रामानंद सागर जी उस पेड़ की ओर बढ़ने लगे, तभी अचानक उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो बच्ची गायब हो चुकी थी। रामानंद सागर बहुत ही संशय में पड़ गए थे कि आखिर वो बच्ची कौन थी और कहां गायब हो गई। जब रामानंद सागर जी उस पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा उस पेड़ के नीचे बहुत सारे साधु जन बैठे हुए थे। तो रामानंद सागर जी ने उनसे बहुत ही विनम्रता से पूछा कि आखिर आपने मुझे क्यों बुलाया, तो उनमें से सभी शांत थे। रामानंद सागर जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने पूछा कि क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ, धन से या किसी और किसी चीज से, तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। जब कोई पर्याप्त उत्तर नहीं मिला तो रामानंद सागर जी वहां से चले गए। कुछ समय के बाद जब उनकी हिमालय यात्रा हुई तो अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने देखा कि मौसम काफी खराब हो चुका है। ऐसे में उन्होंने देखा कि वहां पर एक कुटिया है, तो उन्होंने अपनी यूनिट के एक व्यक्ति से कहा, वहां जाकर देखे कि कुटिया में जो कोई भी हो उनसे आग्रह करे कि क्या हम यहाँ पर थोड़े समय के लिए रुक सकते हैं। जब वो व्यक्ति कुटिया में गया तो वहाँ एक साधु थे और ऐसा सुनने पर साधु भड़क उठे, लेकिन फिर साधु ने पूछा कि आखिर कौन आया है, कौन मिलना चाहता है मुझसे। तो उन्होंने जब नाम बताया कि रामानंद सागर जी फिल्म निर्माता हैं, तो उनका नाम सुनकर ही साधु के व्यवहार में परिवर्तन आ गया। उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्हें अंदर ले आओ। साधु ने उन सभी के लिए जड़ी बूटियों वाला काढ़ा बनवाया और सभी बहुत खुश हो गए। तभी साधु ने रामानंद सागर जी से कामाख्या मंदिर में हुए उस प्रसंग के विषय में पूछ लिया जो अब तक लगभग वो भूल ही चुके थे। रामानंद सागर जी के चेहरे पर तो मानो हवाइयां उड़ गई थी। उन्होंने सोचा कि उस घटना के विषय में इन साधु को कैसे पता हुआ। साधु मुस्कुराने लगे और बोले कि जिस बच्ची ने तुम्हें उन साधुओं के पास भेजा था वो और कोई नहीं बल्कि स्वयं माता रानी ही थी, और उन साधुओं में से एक महाअवतार बाबा जी स्वयं थे। साधु ने ये भी बताया कि महाअवतार बाबा जी यूं ही किसी से नहीं भेंट वार्ता करते, बल्कि उन्होंने रामानंद सागर जी को इसलिए चुना क्योंकि आगे वो एक धार्मिक धारावाहिक रामायण की रचना करने वाले हैं। बस यहीं से उन्होंने रामायण बनाने की प्रेरणा पाई। वहां से लौटकर आने के बाद भी कई बार स्वप्न में रामानंद सागर जी ने एक तेजस्वी साधु को अपने सपनों में देखा जिसका उन्हें मुख काफी चमकता हुआ दिखाई देता था लेकिन धुंधला होता था। बस इन सब घटनाओं ने रामानंद सागर जी को और भी ज्यादा उत्साह से भर दिया। अब उन्होंने पूर्ण निश्चय कर लिया था कि वो रामायण जरूर बनाएंगे। एक घटना का जिक्र करना यहाँ पर और भी उत्तम रहेगा। एक बार रामानंद सागर जी
हरिद्वार में शांति कुंज गए थे। वहां पर श्री राम शर्मा आचार्य जी से मिलना चाहते थे। उन्होंने कहा कि रामायण बनाने का तुम्हारा यह कार्य ईश्वर की इच्छा से ही पूर्ण हो रहा है तथा इसके बाद तुम्हें भगवान कृष्ण के जीवन के ऊपर भी एक धारावाहिक बनाना होगा, क्योंकि समाज में भगवान कृष्ण के व्यक्तित्व को लेकर काफी भ्रांतियां हैं। तुम्हें उन्हें दूर करना होगा और उनके जीवन के संघर्ष और ज्ञान को इस धारावाहिक में दर्शाना होगा। तुम्हें भगवान कृष्ण की वास्तविक लीलाओं का परिचय जन जन तक पहुंचाना होगा, क्योंकि भगवान कृष्ण केवल माखन चोर और रास रचैया नहीं बल्कि महायोगी और कर्मयोगी हैं। ये बात तुम्हें जन जन तक पहुंचानी होगी। आचार्य जी ने उन्हें ये भी कहा कि यह सभी कार्य उनसे दैवी शक्तियां कराना चाहती हैं, जिसके लिए वो तत्पर हो। यही प्रेरणा पाकर रामानंद सागर जी ने रामायण के बाद श्री कृष्ण नामक धारावाहिक बनाया, जो कि लोगों को बेहद पसंद आया। दोस्तों, रामानंद सागर जी के पुत्र प्रेम सागर जी ने दैनिक जागरण से एक बार चर्चा में कहा था कि जब काकभूषुंडी बालक राम की परीक्षा लेने आते हैं, इस कहानी से सभी परिचित हैं। उसकी शूटिंग से जुड़ा एक आंखों देखा वाक्य उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि कौवे वाले उस सीन का फिल्मांकन बहुत ही ज्यादा कठिन था। नन्हे बालक और कौवे को भला कैसे निर्देशित किया जा सकता है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक कौवा पकड़ा और कौवे को सेट पर लाया गया। लाइट और कैमरा ऑन हुआ, तभी पापा जी कौवे के पास गए और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और कहा कि काकभूषुंडी जी, मैं बहुत संकट में हूँ, कृपया मेरी मदद कीजिए। उन्होंने उस कौवे को ऐसा लगा मानो पूरा सीक्वेंस समझा दिया। उसके बाद पापा जी ने कहा एक्शन, और 10 मिनट की रील हुई। उस बालक और कौवे से जैसे जैसे एक्टिंग करने को कहा जाता वो बिल्कुल वैसे ही करने लगे। रोटी लो रोटी लेकर आता और बच्चे के साथ इस तरह खेलता मानो कि वह उनका पालतू हो। 10 मिनट तक जैसे काकभूषुंडी जी स्वयं ही शॉट दे रहे हो। जैसे ही 10 मिनट की रील पूरी हुई, कैमरा और लाइट ऑफ हुआ और वो कौवा उड़कर कहीं चला गया। मैं सेट पर था तो ये वाक्य कभी भूल नहीं पाता, उन्होंने ऐसा बताया। इन सभी बातों से रामानंद सागर जी की दिव्यता का भी पता चलता है। वो काफी आध्यात्मिक व्यक्ति थे और स्वयं दिव्य शक्तियों ने उन्हें ही क्यों चुना, इसका मतलब अभी तक आप जान ही चुके होंगे। तो ये थी वो घटनाएं जिन्होंने रामानंद सागर जी को प्रेरित किया कि वो जनमानस तक इन धार्मिक सच्ची घटनाओं तक सही तरीके से प्रस्तुत कर सके। दोस्तों, आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर से करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आप आगे किन विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।